गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 7 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 19 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट बच्चों काफ़ी ईजी है। आपने 8th क्लास में सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा हुआ है, तो इस वर्कशीट में भी हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ईजी वर्कशीट है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव सभी बच्चे जानते हैं, सूक्ष्म जीव बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी ये जीव जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, जिसको देखने के लिए हमें सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। वे पृथ्वी पर विषम परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के हैं? सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। तो आपको याद रखना है सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के हैं। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के हैं। ठीक है, एक क्या है? जीवाणु, दूसरा है शैवाल, और क्या है? प्रोटोजोआ, और उसके बाद है कवक। नेक्स्ट देखिए सूक्ष्म जीवों के प्रकार, पहला क्या है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। विषाणु भी बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। कोरोना महामारी COVID-19 के विषाणु से फैली है, तो विषाणु भी क्या है? वो भी सूक्ष्म जीवों की तरह ही होते हैं, लेकिन वो उनकी जो गुण धर्म है वो अन्य जीवों से थोड़ा अलग हैं। और जो कोरोना महामारी है वो कौन से विषाणु से फैली है? वो COVID-19 विषाणु से फैली है। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायक हैं, जैसे दही आदि। यह अनेक प्रकार से हमारे लिए लाभदायक हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए केवल हानिकारक ही होते हैं, सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक भी होते हैं। इसके अगर आप कह सकते हो कि इसके अगर हमारे लिए बहुत सारे नुकसान हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए इसके फायदे भी हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे सूक्ष्म जीव जो है आपको चित्र में दिखाया गया है। सूक्ष्म जीव चीज़ बनाने में उपयोगी हैं। सूक्ष्म जीवों से जो है ब्रेड बनते हैं। अपशिष्ट का गठन, यानी जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्लीनिंग, आप कह सकते हो क्लीनिंग एजेंट भी बोलते हैं, यानी हमारा जो पर्यावरण है उसको साफ सुथरा रखने में सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो जो अपशिष्ट हैं उनका अपघटन करता है, जैसे केले के छिलके हैं, पेपर है, उन सब का अपघटन करके क्या बनता है? खाद बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है औषधि निर्माण। तो सूक्ष्म जीव जो है वो औषधि, यानी जो दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक हैं, उनको बनाने में भी उपयोगी हैं। और नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव, जैसे राइजोबियम जो भी जो जीवाणु है वो नाइट्रोजन चक्र में सहायक है, जिसके कारण जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन पर्यावरण से ले पाते हैं। और उसके बाद जो है क्या होता है, उसके बाद जो है पौधों को नाइट्रोजन मिलती है, जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं। बीमार करने वाले सूक्ष्म जीव, जैसे कुछ जीवाणु एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक हवा, पानी, सांस या शारीरिक संपर्क द्वारा जाकर उसे बीमार कर सकते हैं। तो ये तो हमने जो है अभी पढ़ा बेटा कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो लाभदायक है, तो वो बीमारी भी फैलाते हैं। और एक संक्रमित व्यक्ति, यानी अगर एक व्यक्ति बीमार है तो उससे जो है वो संक्रमण किसी स्वस्थ व्यक्ति तक पहुँच सकता है, हवा, पानी, सांस आदि के द्वारा उसे वो क्या कर सकते हैं? बीमार कर सकते हैं, जैसे चेचक है, तपेदिक आदि। ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो बहुत ईजी वर्कशीट है। अब हम इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो हम करेंगे। पहला प्रश्न है सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं? तो यहाँ से आप लिख देंगे सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। तो ये जो है आपका प्रश्न एक का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न एक का उत्तर ये हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे बेटा, बहुत आसान है इसका आंसर भी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न दो है, सूक्ष्म जीवों की मदद से बनाई वाले वाली किन्हीं दो खाने की चीज़ों को जो है इनके नाम लिखने हैं। तो आप क्या लिख देंगे? एक तो दही लिख दो, ठीक है, एक ब्रेड लिख दो और पनीर लिख दो। तो ये सब किसके द्वारा बनाई जाती है? खाने की चीज़ें हैं जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न तीन, सूक्ष्म जीवों के 4 उपयोग लिखिए। बहुत आसान, अभी हमने पढ़ा 4 उपयोग। तो आप लिख देंगे नंबर 1 चीज़ बनाने में,
नंबर दो ब्रेड बनाने में, नंबर तीन अपशिष्ट का अपघटन, नंबर चार औषधि निर्माण, नंबर पाँच नाइट्रोजन चक्र में। तो बस यही आपको उपयोग लिखने हैं क्वेश्चन नंबर तीन के उत्तर में। नेक्स्ट देखिए प्रश्न चार है, क्या सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हमने अभी पढ़ा कि सभी सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायक भी हैं। तो आप यहाँ से लिख देंगे, सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायक हैं, जैसे दही आदि। ठीक है, ये हमारे हमारे लिए अनेक प्रकार से लाभदायक हैं, जैसे जैसे भी उसके बाद बेटा चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, इस तरह से आप एक दो एग्जांपल लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आप इसमें लिख सकते हो सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक नहीं है, वो हमारे लिए लाभदायक भी हैं। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायक हैं, जैसे दही आदि, और अनेक प्रकार से यह हमारे लाभदायक हैं, जैसे चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, अपशिष्ट का अपघटन आदि। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट क्लियर है, क्योंकि बहुत ईजी वर्कशीट है बेटा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।